है झीका गली। रात को यहाँ पर बर्फ़ पड़ती रही है इस तरह की जब धूप निकलती है। ये भी रूम है, ये रूम, ये रूम, ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपने होटल का विज़िट करवाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए। इस होटल पे जो है वो ऐसी 3600 जगह हैं जहाँ से आप VIP तरीके के मनाजिर जो है वो देख सकते हैं। अगर यहाँ पे व्यू पॉइंट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे और होटल्स भी हैं जैसे ये एक पाशा होटल है और इसके आगे भी है, लेकिन ये जो है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगा। हम रह रहे हैं इस वजह से नहीं, ये अच्छा था इस वजह से हमने सेलेक्ट किया। तो फर्स्ट इनकी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ये है, ये होटल का नाम लिखा होगा द मोंट काम, ठीक है। ये पुरसकून माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ये होटल बहुत बुलंदी पे बना हुआ है तो नीचे जो है वो सारे मनाजिर आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये रोड देखें आप, ये मरी का एक बहुत मशहूर गली है, झीका गली, ये उस तरफ को जाता है। होटल का मेन एंट्रेंस है, ये इनका पार्किंग एरिया है होटल का, और ये जो है वो रिसेप्शन है। पार्किंग एरिया यहाँ पर आप जो है वो तकरीबन 5 से 7 गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं। रात को यहाँ पर बर्फ़ पड़ती रही है, तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ जूम करके। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना सफ़ेद कलर के पहाड़, ये सारी रात को जो है वो बर्फ़ पड़ती रही है। अब जैसे ही सनी डे हुआ है, धूप निकली है, तो ये जनाब बर्फ़ कुछ टाइम बाद पिघल जाएगी, उसके बाद नई बर्फ़ होने तक यहाँ ये पहाड़ जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेंगे। जैसे ये फ्रंट वाला पहाड़ है वो नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये मैंने आपको दिखाया कि होटल की रिसेप्शन है और ये इनकी मेन बिल्डिंग है होटल की, ठीक है जी। ये जो सामने नज़र, ये भी रूम है, ये रूम, ये रूम, ये सारे, और यहाँ पे हर रूम के साथ जो है वो विंडो और बैल्कनी और टेरेस ज़रूर है कि लोग जो है वो व्यू देख सकें। ये एंट्रेंस है जो मैंने आपको दिखाई, और ये ग्रासी लॉन बनाया हुआ है, फैमिलीज़ वगैरह यहाँ बैठकर एंजॉय कर सकती हैं। और यहाँ आगे जाकर 2 रास्ते निकलते हैं। अच्छा, ये जो रास्ता है ये ग्राउंड फ्लोर को जाता है, और ये इनका प्ले एरिया है बच्चों के लिए बनाया हुआ है। मैं जैसे अभी धूप निकली है ना, इस तरह की जब धूप निकलती है तो आप यहाँ बैठकर जो है वो ज़बरदस्त तरीके का एंजॉय कर सकते हैं। व्यूवर्स, अब आपको मैं लेके चलता हूँ होटल की मेन बिल्डिंग की तरफ। ये 2 रास्ते निकलते हैं, एक जो है अगर आप व्हील चेयर पर आ रहे हैं तो आप ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं तो आप ये स्टेयर्स के रास्ते से ऊपर जाएंगे। ये मेन एंट्रेंस है, ये देखें, यहाँ से बिल्डिंग शुरू होती है। अभी जो मैं आपको एरिया दिखा के आया हूँ, प्ले एरिया और दूसरा गपशप वाला एरिया, वो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में। और ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर फैमिली ठहरी है हमारी।
तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे वीडियो और हमारे समझाने का अंदाज़ भी पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।